चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। अ बॉडी ऑफ वेट 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एज शोन इन द फिगर। द टेंशन T1 इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इन किलोग्राम वेट इज। तो देखो ये पॉइंट फिक्स है, मतलब रुका हुआ है। ये एक वॉल है जिससे ये थ्रेड कनेक्टेड है, ये एक सीलिंग है जिससे ये थ्रेड कनेक्टेड है, और ये थ्रेड तीसरा थ्रेड है जो ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। ब्लॉक का मास है 2 किलोग्राम वेट है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, 2 किलोग्राम वेट के बराबर होगा। अगर इसमें न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 20 न्यूटन हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, 20 न्यूटन, क्योंकि जी की वैल्यू रखेंगे 10, तो 20 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन हम कंसिडर कर लें टी, और इधर कंसिडर कर लेते हैं टी डैश, तो इसको टी कंसिडर करते हैं, ये वाला टेंशन टी कंसिडर करते हैं, इधर टी डैश कंसिडर करते हैं। तो अब ध्यान से देखना, इसमें टेंशन दोनों तरफ होगा, ऊपर भी टेंशन होगा नीचे भी टेंशन होगा। ऊपर वाला टेंशन कौन लगा रहा होगा, ये पॉइंट जो है ब्लॉक पे ऊपर वाला, ये वाला टेंशन, ये फोर्स लगा रहा होगा ऊपर खींचने के लिए। और ये वाला जो फोर्स यानी टेंशन लग रहा है, ये ब्लॉक लगा रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट याद रहेगा। अच्छा, टी डैश दोनों तरफ लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। तो जो ऊपर वाला टी डैश लग रहा है वो कौन लगा रहा है, ये सीलिंग लगा रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को पी कंसिडर कर लेते हैं, पी पे लगा रहा है, ठीक है, सीलिंग लगा रहा है टी डैश। और ये जो नीचे वाला टी डैश है, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है टी डैश, वो कौन लगा रहा है, वो पी लगा रहा है सीलिंग पे, करेक्ट है। और ये पॉइंट रुका हुआ है रेस्ट पे है, और ये ब्लॉक भी रुका हुआ है। अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है, इट मींस नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और जो ऊपर लगने वाला टेंशन है, जैसे ब्लॉक किया हमने, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है और टी ऊपर लग रहा है, इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है और ये ब्लॉक रेस्ट पे है, इट मींस ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे, यानी एफ जी इज इक्वल टू टी। और एफ जी की वैल्यू कितनी है, 2 किलोग्राम वेट, तो टी भी उतना ही होगा, 2 किलोग्राम वेट के बराबर होगा, करेक्ट है। अब दूसरे पॉइंट, अगर ये 30 डिग्री एंगल है, अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट टी डैश का बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखो मैं इसको यहां बना दे रहा हूं पी पॉइंट को, ये आपका टी डैश हुआ, सीलिंग लगा रही है पी पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर के एंगल के अकॉर्डिंग ये भी 30 डिग्री होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो थ्रेड बना रहा होगा 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी डैश का, टी डैश साइन 30 डिग्री होगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस तरफ, टी डैश कॉस 30 डिग्री होगा। और इस पी पॉइंट पे, ये मैं पी पॉइंट का बना रहा हूं, एफबीडी एक तरह से देखा जाए तो राइट साइड में जो टेंशन है वो टी वन है, ठीक है, और नीचे जो टेंशन इस पी पॉइंट पे लग रहा है, नीचे की तरफ ब्लॉक लगा रहा है टी, ये वाला टी। तो अगर ये पॉइंट पी रेस्ट पे है, इट मींस वर्टिकल लगने वाले फोर्सेस जो है उनका रिजल्टेंट जीरो होगा, और हॉरिजॉन्टल लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा। तो पहले इसको कर लेते हैं, तो टी डैश साइन 30 इज इक्वल टू टी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होगा तभी तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होगा। टी डैश इंटू 1/2, और टी की वैल्यू अभी यहां से 2 किलोग्राम हमने लिख ली थी, 2 किलोग्राम वेट, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 किलोग्राम वेट आएगा, ठीक है, टी डैश की वैल्यू 4 किलोग्राम आ गई, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल कर दिया, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी डैश कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, टी वन के बराबर होगा। टी डैश की वैल्यू 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम वेट, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू टी वन, 2 से 2 कट जाएगा, यानी टी वन की वैल्यू आ गई 2√3 किलोग्राम वेट आएगी टी वन की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन सही है, 2√3, ये वाला सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।